लोगों की तरफ से हैप्पी होली भैया। तो आप लोग बिहाइंड दी सीन में जो देखे वैसे ही होने वाला, बहुत मजा आने वाला है। यहाँ मेरे पीछे जितने भाई है सारे का सारे भाई का कपड़ा फटने वाला है, तो प्लीज एंड तक जरूर देखना। वहाँ पर देख पा रहे सारे भाई का कपड़ा फट चुका है। चाची के साथ होली खेलने वाले हैं। फिलहाल जितने लोग बीच में आएंगे उनको साइड कर दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग आज तो मानने वाले हैं नहीं दोस्तों। तो आप लोग एंड तक जरूर देखना। देख पा रहे गाइस हमारे किस तरह से लगने हो रहा है, ये देख पा रहे हो? चाचा के कह रहे जो हो गया सो हो गया। तो देख पा रहे अभी शाम के 4:30 बज चुका है, सारे लोग यहाँ पर जुड़ गए, पूरे गांव के लोग देख पा रहे किस तरह कपड़ा फरौनिया हो गया। देख पा रहे यहाँ पर सारे लोग हैं, तो मतलब मजा आ रहा है देखने में। तो फिलहाल मुझे ही सारे लोग देख रहे हैं, क्या ये बताओ यहाँ पर कुछ भाई लोग हैं। हाय बोल दो सारे लोग फटाक से। प्रधान का घर देख रहे हैं, तो प्रधान के घर हम लोग आए तो छत पर ही चढ़ गए, क्या ही बताऊं दोस्त। और अभी आने वाली है प्रधान, जो कि यहाँ की महिला प्रधान है, तो फिलहाल बहुत मजा आने वाला है। आप लोग अंत तक जरूर देखना। ये होली है कोई मतलब गलत मत समझना, बस इंटरटेनमेंट पार्ट है, अभी भी लगती है एक पास। तो फिलहाल पद तो बनता है इंटरटेन करने। तो हम लोग जैसे तैसे करके गाँव के सम्मानित प्रधान के घर आए, तो पता चला उनका दरवाजा बंद है, यानी अंदर से लॉक किया। सारे लोग मिलकर दरवाजे को बखूबी से खोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नाकामयाब हो। तभी हमारी निगाह अचानक से ऊपर पड़ा, तो देख रहे भैया साहब एक छत में बंदर की तरह दूसरे छत में चढ़ रहे हैं। कहते ना कि बोट हुआ बंदा, भाभी देवर का रिश्ता होता है बहुत गंदा। तो बड़े भैया साहब ऊपर चढ़ के सभी लोग को विश्वास दिलाए कि मैं उनको बाहर लेके आ रहा हूँ, यानी प्रधान जी। भैया की यह बात सुनने के बाद सारे लोग खुशी से झूमने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी हमारा निगाह अचानक से पड़ा कि दोनों भाभी बाहर आ चुकी हैं। दोस्तों अब आगे आप लोग ही देखिए कि क्या होने वाला है। मेरे प्यारे भाई को देखो, होली खेला कि बरसों से भूखा, मल मल के नहलाने की कोशिश कर रहा कि होली खेला भाई, पता ही नहीं चल रहा है। भाई साहब हमको लगा कि हमारे इस ग्रुप में एक ही रोमांटिक देवर है, कि ना ना हम गलत। ये भाई एक हाथ की वजह दोनों हाथ से नहलाने लगा रहे, क्या कर रहे हो भाई, मारोगे क्या नहला नहला के? मतलब अभी ये कुछ भी नहीं, अभी आज तक बने रहो, बहुत ही मजा आने वाला है। तो प्लीज अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, पर भाई के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। फिर कुछ करना बाबू तुमको, नहीं करना। ये भाई बीच में ही हल्ले लगे, तो मुझे लगा कि कोई बड़ा सा एनाकोंडा आ गया, मैं तो डर गया रे। एनाकोंडा का बात सुनने के बाद बड़े भाई साहब का तो धुक धुक होने लगा, पसीना टप टप आने लगा। तो फिलहाल भाई साहब भाभी को ऐसे पकड़ने कि जैसे कोई फिल्म शूटिंग हो रहा। हाँ भाई से बहुत बढ़िया, छोड़ना मत जब तक रंग पड़ ना जाए। अरे कहाँ से अच्छा दारू हो, लौकत नहीं थे। अरे लौकत तो ढेर कुछ बा। प्रधान जी हाय हम हसीना, बंगाल के प्रधान जी हाय हम हसीना, बंगाल के तनी चमक के नाचो फोट किया राजा जी है।
5 बज चुके हैं, मतलब सब लोग इंटरटेन कर चुके हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं भूख जो रात लग गई, तो फिलहाल चलते हैं घर पर खाना पीना खाने के लिए। डीजे वहाँ पर आके खड़ा हो गया, सारे लोग मतलब एकदम थक चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का होली एकदम मस्त गया होगा मेरे ही होली के साथ में। तो फिलहाल मतलब वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे वीडियो देखने के लिए, हमारे गाँव का वीडियो देखने के लिए, देहाती वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसी तरह से हम डेली का डेली वीडियो लाते रहेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, आई लव यू, बाय बाय। चलते हैं हम घर के ओर। का कहते हमारे गाँव डीजे बिगड़ गया है, हमारी वीडियो पहुंची मोहल्ले फुट जाए, और बताओ तू। हम बोले थे जो मन के तो रिकॉर्डिंग करा और कुछ